तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक को, और टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। देखिए 1815 का जो ईयर था उस समय क्या था, कंजर्वेटिज्म जो थे, जो कंजर्वेटिव्स थे वो पावर में थे, मींस अपने पीक पॉइंट पर थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो लिबरल नेशनलिस्ट फीलिंग था, ठीक है, यानी जो देशभक्ति की भावना थी उस समय, वो थोड़ा उसका जो फीलिंग था वो थोड़ा फेड हो जा रहा था, मींस थोड़ा सा धूमिल हो जा रहा था, ठीक है, अपना प्रभाव उतना क्रिएट नहीं कर पा रहा था जितना कि वो कर सकता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऐसा क्यों हो रहा था भाई, तो कंजर्वेटिव्स जो थे, जो कंजर्वेटिव्स थे वो सप्रेशन कर रहे थे, ठीक है, मतलब जो भी मतलब एक तरह से नेशनलिज्म का जो भी फीलिंग क्रिएट करने वाला जो भी एक्टिविटीज था उसको क्या कर रहे थे, वो सप्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो लिबरल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो था, जो फीलिंग्स था, वो लोगों के बीच ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो भाई अब जो मतलब जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, यानी लिबरल नेशनलिस्ट को ये फील हो गया कि भाई सिचुएशन अभी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो थोड़े दिन के लिए शांत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए थोड़े दिन के लिए शांत हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। तो भाई रिवॉल्यूशनरीज थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया को फॉलो कर रहे थे, उन्हें ये फील हो गया था कि भाई ये भी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, वो शांत हो गए, मगर वो आउटर वर्ल्ड के लिए शांत हुए थे, ठीक है, वो इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करने में लगे हुए थे। तो इंटरनली उन लोगों ने कैसे खुद को स्ट्रांग किया, तो भाई सीक्रेट सोसाइटीज बनाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो जो 1815 का जो टाइम स्पैन है, इसमें बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज यूरोपियन सिटीज में उभर कर आए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे संगठन यूरोपियन सिटीज में उभर कर आने लगे, जहां पर रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दिया जाने लगा, ठीक है, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाने लगा कि वो कैसे नेशन स्टेट का जो आइडिया है, जो लिबरल नेशनलिस्ट का जो आइडिया, उसको कैसे लोगों में स्प्रेड करे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अपनी एक सेना तैयार कर रहे थे, वो खुद को स्ट्रांग कर रहे थे, ताकि वो कंजर्वेटिव से, ठीक है, क्या करें, एक तरह से कंपटीशन कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। टू दी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम नीड अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। सो उस समय एक रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था, एक क्रांतिकारी होने का मतलब था कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो राजतंत्र है, उसको अपोज करो, ठीक है, और वियना कांग्रेस से जो भी चेंजेस लाए गए थे, और इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या था, वियना कांग्रेस सबसे बड़ा चेंज क्या लेकर आया था भाई, तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आया था। तो उस समय रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज करो, उसकी आलोचना करो, और जो ये लिबर्टी एंड फ्रीडम का जो आइडिया है उसके लिए फाइट करो, स्ट्रगल करो। तो इस तरह का कुछ रिवॉल्यूशनरीज ने खुद के लिए गोल सेट किया था। अब आगे बढ़ते हैं। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. ठीक है, तो जो revolutionaries थे, जो अधिकतर revolutionaries थे, वो nation state का जो idea था, जो nation state का idea था कि भाई अब राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, ये जो idea था उसको एक बहुत ही important part वो मानते थे revolution का, यानी जो भी आंदोलन वगैरह कर रहे थे उसमें nation state का जो आइडिया था उसको एक बहुत ही वैल्यूएबल जगह मिला था, और उसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो लोग माना करते थे। यानी उस समय अगर एक रिवॉल्यूशनरी, यानी अगर एक क्रांतिकारी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है, आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी था कि वो नेशन स्टेट के आइडिया को भी फेवर कर रहा था, ठीक है, यूरोप में नेशन स्टेट के भी आइडिया को वो फेवर कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें एक ऐसे ही रिवॉल्यूशनरी का एग्जाम्पल मिला है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रिवॉल्यूशनरी ग्यूज़िपी मज़ीनी। तो यहां पे हमें ग्यूज़िपी मज़ीनी के बारे में बताया गया। इनका बहुत ही एक तरह से कहे तो वाइटल कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनलिस्ट फीलिंग को स्ट्रांग बनाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते। तो बॉर्न इन जेनोआ इन 1807 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ
द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, यानी ग्यूज़िपी मज़ीनी का जन्म जेनोआ में हुआ था 1807 में, और वो सीक्रेट सोसाइटी, कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसके वो मेंबर थे, ठीक है, सदस्य थे। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। तो जब वो 24 ईयर्स के थे, जब ग्यूज़िपी मज़ीनी 24 ईयर्स से यंग मैन थे, तब उन्हें टेरिटरी से निकाल दिया गया था, उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। ये उन्हें पनिशमेंट दिया गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में क्रांति लाने की कोशिश की थी, लोगों के बीच में रिवॉल्यूशन लोगों के बीच में लाने की कोशिश की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेई एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। तो इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड किया था, दो सीक्रेट सोसाइटीज इन्होंने खोला था, और वो था, पहला कौन सा था, यंग इटली जो कि कहाँ था, मार्सेई में था, और यंग यूरोप, दूसरा था यंग यूरोप जो कि बर्न में था। तो यहाँ इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया था जो कि नेशन स्टेट की आइडिया को फेवर करते थे। Whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. तो ये जो दो secret societies थे, Young Italy और Young Europe, इसके जो members थे, यानी इसके जो सदस्य थे, वो youths थे, यानी नौजवान थे, और ये जो नौजवान थे जो इसके मतलब Young Italy और Young Europe में members के तौर पे थे, इनका जो mindset था, सोचने का तरीका जो था, वो ग्यूज़िपी मज़ीनी से काफी मिलता जुलता था। और ये लोग बेसिकली कहाँ के थे, बिलोंग कहाँ से करते थे, जो नौजवान थे ये यूथ्स जो थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट, मोस्टली इन रीजन से यूथ्स निकल कर आए थे जो नेशन स्टेट के आइडिया को फेवर कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मज़ीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। सो मज़ीनी का मानना था, मज़ीनी का ऐसा एक विश्वास था कि जो नेशन स्टेट है वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड का। मीन्स कि किसी, अगर कोई व्यक्ति अपने देश में रह रहा है तो वो उसके लिए नेचुरल है, प्राकृतिक है। एक तरह से वो कहना ये चाहते थे कि एक व्यक्ति की पहचान, एक व्यक्ति की पहचान उसके देश के नाम से होना चाहिए, ना कि किसी राजा के। तो ये कुछ इस तरह का ये आइडियोलॉजी, कुछ विचार अपना नेशन स्टेट के लिए रखते थे। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है इस लाइन से, कि इटली के बारे में यहाँ पे बात आया है, ठीक है। तो इटली जो था उस समय, ठीक है, वो बहुत सारे छोटे स्टेट्स में बिखरा हुआ था, बहुत सारे छोटे स्टेट्स और राज्य में इटली बिखरा हुआ था। एक तरह से कहें तो उस समय वो राष्ट्र नहीं था, नेशन स्टेट नहीं था। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। सो ग्यूज़िपी का मानना था, ग्यूज़िपी चाहते थे कि इटली जो है, ये जो इस तरह से स्कैटर्ड वे में है, बिखरा हुआ है, उसको यूनिफाई करें, उसका यूनिफिकेशन करें और उसे नेशन स्टेट में कन्वर्ट करें। सो ग्यूज़िपी इटली के लिए ऐसा माइंडसेट लेकर चल रहे थे। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और उन साथी ये वो भी ये भी कहते थे कि इटली के लिए सबसे बड़ा लिबर्टी, यानी सबसे बड़ा आजादी होगा उसका नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना। यानी एक तरह से कहें अगर इटालियन पीपल के लिए सबसे बड़ा आजादी क्या होगा, फ्रीडम क्या होगा, तो वो था इटली का नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना। तो कुछ इस तरह का वो इटली के लिए माइंडसेट अपना व्यूज लेकर चल रहे थे। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो क्या हुआ कि भाई अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ग्यूज़िपी मज़ीनी के आइडियोलॉजी को देखा, नेशन स्टेट से रिलेटेड उनका किस टाइप का सोच विचार था। तो ये जो नेशन स्टेट का जो आइडियोलॉजी जो था ग्यूज़िपी मज़ीनी का, वो यूरोप में भी, जो यूरोप के अदर रीजन्स थे उसमें भी स्प्रेड कर रहा था, और लोगों को क्या कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब लोग जो थे ना, वो नेशन स्टेट का जो आइडिया है उसको डिस्कवर करना चाहते थे। तो अधिक से अधिक मात्रा में अब क्या थे, लोग जुड़ रहे थे लोग नेशन स्टेट के आइडिया से। तो इस वजह से क्या हुआ भाई, कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ये सारे रीजन्स में सीक्रेट सोसाइटीज
सेटअप हुआ जो कि किसको, नेशन स्टेट को फेवर कर रहा था। ठीक है, मज़ीनीज़ रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। मज़ीनी जो थे ना वो बेधड़क होकर, नीडर होकर मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था, मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आलोचना किया करते थे, उसको अपोज किया करते थे। और जो एक तरह से कहें तो मज़ीनी जो थे वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, जिसमें कि कौन सुप्रीम होते थे, तो कॉमन पीपल सुप्रीम होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो ये आइडियोलॉजी था गुज़िपी मज़ीनी का और जो वो अगेंस्ट थे मोनार्की के, ये सारे चीज़ जो था वो कंजर्वेटिव्स को बहुत ही डरा रहा था। इसलिए डरा रहा था क्योंकि अब लोग जो थे वो गुज़िपी मज़ीनी के आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे, और गुज़िपी मज़ीनी भाई किसके अगेंस्ट थे, तो मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो इस वजह से कंजर्वेटिव्स को ये डर था कि कहीं उनका जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन लोगों ने यूरोप में स्प्रेड किया है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, और इस डर को हम ड्यूक मेटर्निक के स्टेटमेंट में देख सकते हैं। देखिए, ड्यूक मेटर्निक के स्टेटमेंट को समझते हैं। मेटर्निक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। सो जो ड्यूक मेटर्निक थे, याद आया वियना कांग्रेस के, जो जिनके अंडर में वियना कांग्रेस हुआ था, वो ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटर्निक, उनका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। और उन्होंने गुज़िपी मज़ीनी को सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस एनिमी यानी दुश्मन कंसिडर किया है। किसका? तो सोशल ऑर्डर का। कैसा सोशल ऑर्डर? जिसे कंजर्वेटिव्स ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अब जो कंजर्वेटिव्स थे उन्हें डर सता रहा था कि भाई अब जो नेशन स्टेट का आइडिया है वो लोगों के बीच में ग्रो कर रहा है, रिवॉल्यूशनरीज कई हद तक अब सक्सीड कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें डर हो गया था कि अब मेरा जो, हमने जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश किया है, वो कहीं यूरोप से खत्म ना हो जाए, कहीं इसे डिस्पोज ना कर दिया जाए। तो इस टॉपिक के थ्रू हमने क्या समझा कि भाई रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो कंजर्वेटिव के आइडिया के होने के बावजूद, जब कंजर्वेटिव अपने फुल पावर में था, उसके होने के बावजूद नेशन स्टेट का आइडिया स्प्रेड कर रहे थे। और यहाँ पे हमने वाइटल कंट्रीब्यूशन पढ़ा गुज़िपी मज़ीनी का। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको असाइनमेंट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।